रविवार को जिलाधिकारी सीपी सरोज, क्षेत्राधिकारी विनय चौहान व एसएचओ प्रदीप सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें बगरैन चौकी इंचार्ज सत्यवीर सिंह, उपनिरीक्षक ऋषि पॉल सी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद थे। फ्लैग मार्च बगरैन कस्बे व उदयपुर के मुख्य मार्गों पर किया गया। फ्लैग मार्ग में बड़ी संख्या में जवान तैनात थे। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने कहा कि पर्व त्योहारों में सुरक्षा के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला गया है, साथ ही पर्व त्योहारों के दौरान कस्बे में शांति व्यवस्था बनाए रखने की उन्होंने लोगों से अपील की है। देश भर में कोरोना वायरस का असर तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना का साया सभी तीज और त्योहारों पर भी पड़ रहा है। मुस्लिम समुदाय इस वक्त मुहर्रम का इंतजार कर रहा है। हालांकि मुहर्रम पर भी कोरोना का साया साफ नजर आ रहा है। यही वजह है कि इस बार मुहर्रम पर ताजिया और जुलूस निकाले जाने पर रोक लगा दी गई है। देश भर में कोरोना वायरस गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। दिल्ली से लेकर कर्नाटक और यूपी से लेकर बिहार तक हर जगह प्रदेश सरकार ने मुहर्रम को लेकर अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार उत्तर प्रदेश में सभी इलाकों में मुहर्रम पर जुलूस व ताजिया निकालने पर पाबंदी होगी। सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के फैलने के खतरे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले से ही कोविड-19 को महामारी घोषित किया है। मुहर्रम समारोह के दौरान जुलूस ताजिया के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोजा खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 News। और हाँ, यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।